गुरुवार की रात मुंबई में ब्यूटी इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जहां बॉलीवुड की कई हसीनाएं अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंची। इस अवार्ड शो में फिल्म ए थर्सडे में अपने शानदार अभिनय से लोकप्रियता हासिल करने वाली अभिनेत्री यामी गौतम धर भी अपने ग्लैमरस अंदाज में पहुंची। जल्द ही यामी अभिषेक बच्चन और निमृत कौर के साथ अपकमिंग फिल्म दसवीं का भी हिस्सा है। इस बारे में यामी से जब बात की गई तो उनका कहना था, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला अगेन बहुत कम टाइम में, और जो फिल्म को अपने आप ऑर्गेनिकली अच्छा ऐसा रिस्पांस मिलता है, प्यार मिलता है, लोग सपोर्ट करते हैं, बोलते वेट कर रहे हैं आपकी फिल्म कब आएगी, और एक्साइटिंग लग रही है, मज़ेदार लग रही है, फन लग रही है, कुछ सीखने सिखाने को भी है पर मज़ेदार है। एंड ऑफकोर्स मेरे लिए तो एक अलग, बिल्कुल अलग किरदार है जिसमें ब्यूटिफुल से ज़्यादा आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू लुक एक्ट, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू मेक यू बिलीव दैट यस आई कैन प्ले दैट टफ हरियाणवी कॉप, एंड आई थिंक आपको फिल्म देख के मजा आएगा। यामी के अलावा अलाया एफ, सोनाली सहगल, सोफी चौधरी, ग्रेबियला डेमोस्ट्रेट, शिबानी डांडेकर को भी इस अवार्ड शो में देखा गया। सभी काफी स्टाइलिश लग रहे थे। INS रिपोर्ट।